गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. इन अवर लास्ट क्लास वी स्टडीड अबाउट रेक्टेंगल टूल. बच्चों, लास्ट क्लास में हमने रेक्टेंगल टूल के बारे में पढ़ा था. अब आज हम राउंडेड रेक्टेंगल टूल के बारे में पढ़ेंगे. क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? राउंडेड रेक्टेंगल टूल. सभी बच्चे पेज नंबर 3 to 32 अपनी बुक का खोलेंगे. एवरी स्टूडेंट विल ओपन पेज नंबर 32 ऑफ देयर टेक्स्ट बुक्स. टूडे वी विल स्टडी राउंडेड रेक्टेंगल टूल. पहले हम राउंडेड रेक्टेंगल टूल की स्पेलिंग लर्न करेंगे. RoundEd, राउंडेड रेक्टेंगल. RectangleE, रेक्टेंगल. टूल TOOL, टूल, राउंडेड रेक्टेंगल टूल. बच्चों, राउंडेड रेक्टेंगल टूल और रेक्टेंगल टूल में क्या फ़र्क है? ये फ़र्क है, अगर हमें बॉक्स बनाना है राउंडेड कॉर्नर्स के साथ. फिर से बताती हूँ, अगर हमें बॉक्स बनाना है राउंडेड कॉर्नर्स के साथ, यानी उसके कॉर्नर्स राउंडेड हो, तो हम लोग राउंडेड रेक्टेंगल टूल का यूज़ करेंगे. अगर हमें स्ट्रेट लाइन वाला रेक्टेंगल टूल बनाना है तो हम रेक्टेंगल टूल का यूज़ करेंगे. अगर हमें बॉक्स बनाना है राउंडेड कॉर्नर्स के साथ तो हम राउंडेड रेक्टेंगल टूल का यूज़ करेंगे. फंक्शन, अ राउंडेड रेक्टेंगल टूल लुक लाइक अ रेक्टेंगल टूल. ड्रॉ द बॉक्सेस रेक्टेंगल और स्क्वायर ऑफ डिफरेंट साइज एंड टाइप. जो राउंडेड रेक्टेंगल टूल है वो रेक्टेंगल टूल जैसा ही दिखता है और डिफरेंट बॉक्सेस रेक्टेंगल और स्क्वायर के साइज और टाइप के बना सकता है. द डिफरेंस बिटवीन राउंडेड रेक्टेंगल टूल एंड रेक्टेंगल टूल इज दैट ओनली द राउंडेड रेक्टेंगल टूल कैन ड्रॉ द बॉक्सेस विद राउंडेड कॉर्नर्स. जो राउंडेड रेक्टेंगल टूल और रेक्टेंगल टूल है उसमें एक ही डिफरेंस है कि जो राउंडेड रेक्टेंगल टूल होता है वो ड्रॉ करता है बॉक्सेस राउंडेड कॉर्नर्स के साथ. आप लोग देख सकते हो फिगर में कि जो बॉक्स बना है वो राउंडेड कॉर्नर्स के जैसा है. कॉर्नर की स्पेलिंग CORNERS, कॉर्नर्स. क्या स्पेलिंग है? CORNERS, कॉर्नर्स. स्टेप क्या है? हमने सेलेक्ट करेंगे राउंडेड रेक्टेंगल टूल बाय लेफ्ट क्लिकिंग ऑन इट. जब हम करेंगे स्टेप वन सेलेक्ट करेंगे तो हमने सेलेक्ट किया, फिर आगे के स्टेप्स नहीं दिए हैं इसमें, पर हमें पता है कि क्या है. हम माउस पॉइंटर को लाएंगे ड्राइंग एरिया में. हम वहां पर फिर अपना ये राउंडेड रेक्टेंगल टूल से राउंडेड कॉर्नर्स का बॉक्स बना लेंगे. इम्पॉर्टेंट, इफ़ यू वॉन्ट टू ड्रॉ अ स्क्वायर बॉक्स चारों साइड्स जिसकी इक्वल होती हैं. बच्चों, स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर जो होता है उसकी चारों साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं. और अगर हमें वो बनाना है तो हम अपनी कीबोर्ड से शिफ्ट की को प्रेस करेंगे ड्राइंग करते वक्त. जब हम बॉक्स बना रहे होंगे तो हम शिफ्ट की को प्रेस करेंगे. तो बच्चों, अब हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने फंक्शन पढ़ा राउंडेड रेक्टेंगल टूल का, डिफरेंस पढ़ा, उसका स्टेप पढ़ा, और स्क्वायर बॉक्स अगर बनाना है तो हम क्या की दबाएंगे ड्रॉ करते वक्त, हमने ये भी पढ़ा. ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है राउंडेड रेक्टेंगल टूल. आप सभी बच्चों को इस पर ज़्यादा ध्यान देना है. अब आज का होमवर्क क्या है? आप लोग फंक्शन लिखोगे, डिफरेंस बताओगे, स्टेप बताओगे और स्क्वायर बॉक्स कैसे बनाते हैं ये बताओगे. इन शॉर्ट, आपको पूरा बताना है राउंडेड रेक्टेंगल टूल के बारे में. क्वेश्चन क्या है? राइट अ शॉर्ट नोट ऑन राउंडेड रेक्टेंगल टूल. आप लोगों को शॉर्ट नोट लिखना है राउंडेड रेक्टेंगल टूल के बारे में, जिसमें आप लोग फंक्शन भी बताओगे, डिफरेंस क्या है राउंडेड रेक्टेंगल टूल एंड रेक्टेंगल टूल का, स्टेप क्या है, और स्क्वायर बॉक्स अगर बनाना है तो कैसे बनाते हैं ये भी बताओगे. स्टूडेंट्स, यू ऑल हैव टू डू योर होमवर्क इन योर नोटबुक एंड इट इज़ कंपल्सरी फॉर एवरी स्टूडेंट
टू डू द होमवर्क एंड देन सेंड मी. थैंक यू क्लास.